ऑल ऑफ यू थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। ऐसा देखने में आ रहा है कि थर्ड ईयर लोक प्रशासन के विद्यार्थी वीडियो लेक्चर्स को बहुत कम देख रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं और इसको तैयार करने में हम बहुत मेहनत से काम करते हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि कृपया इसे देखें, समझें और कमेंट भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब भी करें और सारे पुराने लेक्चर्स को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और जो भी समस्याएं आती हैं वो अगर हम आपस में शेयर करेंगे तो उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। हम लोग ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो प्रायः जो विशेषताएं हैं वो भारत से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। ब्रिटिश लोक प्रशासन और लोक सेवाएं उन देशों की श्रेणी में आती हैं जहां कुशलता एवं संवेदनशीलता का ग्राफ बहुत ऊंचा है। आज हम यहां बिना किसी भूमिका के ब्रिटिश प्रशासन की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जो पहली विशेषता है, उत्तरदायी एवं कल्याणकारी प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को पदसोपानात्मक और वैधानिक प्रणालियों से प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है तो प्रत्येक प्रशासनिक विभाग किसी मंत्री के अधीन होता है। मंत्री प्रशासनिक असफलताओं और जो भी कमियां होती हैं उसका उसे संसद में उत्तर देना होता है। संसद में वो उनके प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटिश जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, भोजन और सुरक्षा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य द्वारा संचालित प्रशासनिक संगठन उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि हाल ही के वर्षों में सामाजिक सेवा क्षेत्र में लोक प्रशासन की भूमिका काफ़ी सीमित कर दी गई है और बहुत सारी चीज़ें निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है, लेकिन जन कल्याण की मूलभूत जिम्मेदारी अभी भी राज्य के कंधे पर ही है। प्रशासनिक निर्णय मुख्य रूप से मंत्रिमंडल निर्णय से प्रभावित होते हैं जिनका न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, फिर भी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक कुशलता। ब्रिटिश लोक प्रशासन का संरचनात्मक ढांचा, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के ढांचे से, भारतीय प्रशासन से मिलता जुलता है। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जाता है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री प्रशासनिक संगठनों के प्रमुख नीति निर्माता, नियंत्रणकर्ता, समन्वयकर्ता एवं संरक्षक होते हैं। संसद में उठने वाले प्रश्नों, वाद विवाद, लेखा अंकेक्षण, संसदीय समितियों के भय के कारण प्रशासनिक कुशलता व्याप्त रहती है। अत्याधुनिक मशीनों, कार्य व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रशासन को सक्रिय, चुस्त दुरुस्त बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ब्रिटिश नागरिक स्वभावतः उत्तरदायी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, परंपराओं के प्रति प्रेमी होते हैं, राष्ट्र प्रेम और सहयोग की भावना होती है, अतः प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रकार में, उनके स्थायित्व में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, जो प्रशासनिक कुशलता का मूल आधार है। इस संबंध में
इसी संदर्भ में हम देखें तो ब्रिटिश की पुलिस, जिसके स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है, वो विश्व भर में अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश संविधान में हमने पढ़ा कि ब्रिटेन का संविधान संक्षिप्त है। संक्षिप्त होने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आगे नियम कानून पर छोड़ दी गई हैं, परिवर्तनशील है। तो एक और विशेषता वहाँ के प्रशासन की है कि निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी शासन व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार ढालने का सफल प्रयास किया है और यह प्रयास भी निरंतर जारी है। ब्रिटिश प्रशासनिक संगठन को जीवंत संगठन का नाम भी दिया जाता है। जहां 1813 में लोक सेवकों की योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को सुदृढ़ किया गया और पैटर्निज व्यवस्था यानी संरक्षण प्रणाली को समाप्त किया गया, धीरे धीरे बहुत सारे कमीशन, रिडले आयोग, प्लेफेयर कमीशन, हेल्डन समिति, टामलिन आयोग, एस्टन कमेटी, फुलटन कमेटी आदि की अनुशंसाओं के आधार पर समय समय पर वहाँ पर प्रशासनिक सुधार भी किए गए। 1988 में वहाँ पर लोक सेवकों का आकार भी घटाया गया और अधिक कुशलता के लिए बहुत से क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, जिसमें हेल्थ एक मुख्य आधार था। नेक्स्ट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। यद्यपि ब्रिटिश शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति व्याप्त है, जिसके अंतर्गत शासन की समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल नामक संस्था में समाहित होती जा रही हैं, किंतु विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत ब्रिटेन में परिवर्तित है, जिसके अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं, कानून की सर्वोच्चता, कानून के प्रति समानता और कानून से ऊपर सब न्यायिक निर्णयों का आदर। तो ब्रिटेन में कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और न्यायिक निर्णयों का आदर सभी ने सहजता से स्वीकार किया है। संविधान सहित बहुत से कानून असंहिताबद्ध हैं, फिर भी भ्रम और असमंजस की स्थिति नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि प्राकृतिक न्याय एवं मानवाधिकारों में सरकार, प्रशासन एवं आम व्यक्ति की समान रुचि रहती है। नेक्स्ट है ईमानदारी तथा प्रशासनिक पारदर्शिता। ब्रिटिश लोक प्रशासन प्रायः भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद की बुराइयां बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। 1967 में ब्रिटिश ओम्बुड्समैन, संसदीय आयुक्त नामक संस्था कार्यरत है, जो कि नागरिक शिकायतों का निवारण करती है। संसदीय आयुक्त लोक सेवाओं के विरुद्ध अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं लापरवाही की जांच करती है। सेवक रोचक जो बात यह है कि संसदीय आयुक्त के पास वर्ष भर में मात्र 400-500 शिकायतें ही आती हैं और उनमें से अभी तक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला वहां नहीं आता है। प्रशासनिक कार्यकुशलता और जवाबदेहता में वृद्धि करने के लिए अनेक ठोस कदम सरकार द्वारा उठाए जाते रहे हैं। सिटीजन का चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र नामक व्यवस्था भी 1991 में प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। प्रशासनिक ईमानदारी, कार्यकुशलता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वहाँ प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी रखते हैं तथा संसद में इसकी पृथक से रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड इत्यादि द्वीपों का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या भी सीमित है, अतः ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत और अमेरिका की तरह ब्रिटेन में केंद्रीय और प्रांतीय दो स्तरों पर सरकारें नहीं होती, बल्कि एक ही सरकार के अंतर्गत समस्त ग्रेट ब्रिटेन का प्रशासन संचालित होता है, जो यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याय है।
यद्यपि नगरों एवं गांवों में स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र सरकारें होती हैं, किंतु इन सरकारों को प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के द्वारा ही दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। लंदन स्थित प्रशासनिक विभागों, मंत्रालयों तथा उनके कार्यकारी संगठनों की शाखाएं संपूर्ण देश में फैली हुई हैं, जिनका नियंत्रण निर्देशन संबंधित विभाग का मंत्री करता है। अब इतनी विशेषताओं के बाद जो प्रशासनिक ढांचा है और कार्मिक व्यवस्था, जिस पर अलग से ही प्रश्न आता है कि वहाँ के प्रशासनिक ढांचे पर और एक कार्मिक प्रशासन संबंधी विशेषताएं हैं, जिस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।